मंचला, थारा भाई मंचला, इतनी पतंगे काटेगा, इतनी पतंगे काटेगा, आज सारा आसमान खाली करेगा। गाइस भाई लोग आ गए बड़ी दूर से, यूपी से। और भाइयो वेलकम है। और सच्ची नमस्ते। और भाइयो हाउ वाज द जर्नी, कैसी रही? थकान भरी? थकान भरी। भाई हम भाइयों को वेलकम करने आए और यहाँ हमारे मेहमान खाना खाने, इनको भूख लग रही है, इनका खाना ये खाओ भाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंचला लड़का। तो अभी हमारे भाई लोग आए यूपी से स्पेशली मकर संक्रांति मनाने के लिए। इन दोनों को आपने हमारे व्लॉग में देखा ही होगा, हमारा जो भी गांव वाला व्लॉग था, लस्सी वाला व्लॉग था, हम लस्सी पीने गए थे सारे। तो अभी क्या है, हमको संक्रांति की थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। तो शॉपिंग का मतलब ये हमको पतंगे खरीदनी है, थोड़ा बहुत मंजा एंड टेप, तो ये तीन चीज़ खरीदनी है क्योंकि यार हाथ बहुत ज़्यादा कटता है। टेप ही लिया है तो और ले आएंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा टेप, क्योंकि हाथ बहुत बार बार कटते हैं तो उसका ध्यान रखना है। अभी भी मैं देखूँ तो काफ़ी अच्छा माहौल हो रहा है संक्रांति का, अगर आपको दिखाऊँ। उड़ रही हैं अभी थोड़ी बहुत, लेकिन अभी और उड़ेंगी तो कल जैसा माहौल होगा वो अभी नहीं हो सकती। और पॉइंट मेरे को ऐड करना था कि जो जयपुर का मेन मार्केट है पतंगों का, हांडीपुरा, वहाँ पे हम नहीं जा रहे क्योंकि आप जानते हैं कोविड की वजह से, और वहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है। आप जयपुर की कोई और वीडियो देखोगे तो आपको वहाँ दिखेगा कि कितना ज़्यादा रश होता है, तो वहाँ अवॉइड करेंगे जाना, यहीं से आसपास के मार्केट से ले लेंगे, क्योंकि आप जानते हो जयपुर में कोविड केसेस क्या राइज हो रहे हैं यार, बहुत ज़्यादा। उससे बचना है, आराम शॉपिंग करनी है, संक्रांति के मज़े लेने हैं, ओवरऑल सेफ। संक्रांति के टाइम जब चलते हैं ना रोड पे तो भी ध्यान से चलना पड़ता है, क्योंकि मंजे ऊपर से साइड से पतंग कटी हुई तो बहुत सारे मंजे आते रहते हैं, तो वो भी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन हम तो वॉक कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो बाइक पे होता है उसको ज़्यादा रिस्क होता है। मेरे साथ हो चुका है ऐसा केस, बट फिर भी ध्यान रख सकते हो आप भी अगर आप जा रहे हो तो। अभी देखो कितनी भीड़ है, गाड़ियाँ खड़ी है आगे तक पूरा, एंड मौसम अच्छा है। भाई सही है पतंगे, चेक कर रहे हैं सारे सेट। ये भी दूसरे दूसरे बेटा, ये दूसरा दे दे, हटा ये सेम है तो इसके। ठीक था मानो भाई, वो ट्रैफिक देखो पतंगों की दुकान के बाहर, ये पूरी लाइन लगी हुई है, खतरनाक। तो गाइस हमने लिए खुली पतंगे, यहाँ पे जयपुर में एक ऐसा होता है कि सारी पतंगे पैक करके बेचते हैं ताकि उसमें ख़राब माल भी निकल जाए, बट हमने सारी देख के सोच समझ के लिए। जो हमारे आगे भाई चल रहे हैं इन्होंने सारी अप्रूव करी है पतंगे साफ कि देखिए सही है या नहीं, एंड आई थिंक इसमें सारी की सारी ठीक निकलनी चाहिए। आई होप कुछ दिक्कत आई तो भाई को पकड़ा जाएगा, कोई दिक्कत आई तो भाई को पेला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई को पेला जाएगा। भाई को कम आइडिया पतंगों का, बस ये हमारे साथ घूमने आए थोड़ा, और ये भी आंटी उड़ा देती हमको, बच गए बस। मानो भाई मोमोज ब्रेक चाहिए इनको, अभी से भूख लग गई, अभी खाना खा के आए थे वो तो घर से, फिर भी इतनी सारी पतंगे लिए ना इन्होंने, इन्होंने सेलेक्ट करी ना पसंद, फिर थक गए बेचारे। मानो भाई खाओ खाओ, मार्केट आए थे, मम्मी का फोन आया कि धनिया लेके आना, तो अब हम धनिया लेने आए हैं। देख रहे हो सबको लाना पड़ता है धनिया, जो कहावत है ना, जो डायलॉग है वो फेमस है, इसलिए फेमस है, कॉल आता है धनिया लेते हैं। हम कल की पूरी तैयारी है, धनिया और इसमें मिर्ची भी है पकौड़े वाली वो, एंड दही एंड पकौड़ी मिक्स, तो कल का पूरा प्रोग्राम सेट है, क्योंकि ऊपर भूख लगती है तो खाने के लिए कुछ होना चाहिए। आपको एक फैक्ट बताना, जब मैं छोटा बच्चा था ना, छोटा बच्चा, तो मैं क्या करता था, एक एक महीने पहले से उड़ाता था। तो मान लो 15 दिसंबर से मैं स्टार्ट हो जाता था, पूरे महीने भर उड़ाता था, संक्रांत को उड़ाता था, सपने में उड़ाता था, मतलब उड़ाता रहता था। लेकिन अब जो टाइम आ गया ना, जब हम काम करने लग गए हैं, तो मान लो मैंने अभी तक एक भी पतंग नहीं उड़ाई है, 8 तारीख है, कल 14 तारीख है, तो सोच रहा हूँ कल ही उड़ाऊँगा। आज भी मन नहीं, क्योंकि अभी मेरी मीटिंग्स है, तो वो भी रह ही जाएगा, तो ऐसा लगता है कि यार कितने बड़े हो गए हैं। इस बार वीकेंड भी है 15-16 का, तो मे भी उस दिन भी उड़े अच्छी खासी। भाई आ गए हैं, भाई देखो अब फाइनली ये प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारी जो चरखियाँ पैक करके रखते हैं हर साल, कल के लिए तैयारी। तो हमेशा क्या करते हैं, हमेशा पैक करके रखते हैं ताकि ये मंजा खराब ना हो, कलर ना उतरे। एंड ये पतंग जो सारी लूट रहा था ये 2-3 दिन से, ये जो लूट रहा था वो इकट्ठी हो गई है, नई पतंग अभी पैक है। जो ये कपड़े दिख रहे हैं ये सारे हटेंगे अभी, इसकी रस्सियाँ खुल जाएंगी, कल केवल पतंगबाजी होगी। आप देख रहे हो छोटी छोटी अभी भी है। आपको पता है जोजो नहीं आता कल छत पे, क्यों नहीं आता जोजो बताओ, जोजो क्यों नहीं आते छत पे? क्योंकि यार बहुत ही म्यूजिक बजता है यहाँ पे पूरे जगह, तो जोजो का डर लगता है। और एक और चीज़ है ना, यहाँ मंजा आता जाता रहता है तो जोजो फंस जाता है, क्योंकि पतंग कट के आती है, हम मंजा से फेंक देते हैं, जोजो के पैरों लग जाता है, जोजो का पैर कट जाता है, तो जोजो को उसको नहीं होने देना है। क्योंकि अब जोजो को हमारे घर आए हुए 2-3 साल हो गए, हमको पता लग गया है
क्या ध्यान रखना है और क्या नहीं रखना है ना जोजो? जोजो कल नीचे रहेगा पूरे दिन। वैसे जोजो पूरे पूरे दिन घूमता है धूप में, ये मजे लेता है धूप के, हम नहीं लेते सर्दियों में। ये बंदा, इसको जैसे गेट खुलेगा ऊपर सीधा ऊपर। तो जोजो कब जाने देते हैं, जोजो परेशान हो रहा है। और आपको अगर एक और फैक्ट्री चीज़ बताऊँ ना, जयपुर में जो पतंग है ना वो पैकेट में पैक होकर मिलती है पॉलीथिन में। इसके पीछे क्या लॉजिक है? मेरे हिसाब से ये लॉजिक है कि जो फटी हुई पतंग है वो एक कौड़ी में चिपका दो तो चार पांच फटी हुई पतंगें निकलती है, लेकिन हम जो लाते हैं, हम जो खुली हुई लाते हैं देख के सोच समझ के बढ़िया सी, वो मैं शायद एक दो साल पहले लाया था लेकिन मेरे साथ चोट हुई। तो सबसे पहले ना भैया, जिसमें रिस्क हो, पर म्यूचुअल फंड रिस्की है पर काम की चीज़ है। बाकी जो चीज़ रिस्की है और ख़राब है उसको रिजेक्ट, म्यूचुअल फंड बढ़िया है। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते हो कर सकते हो, जस्ट एडवाइस। अरे भाई तो शुरू हो गए हैं, पिछली बार भी इन्हीं की वीडियो बनाई थी हमने। दूर नहीं यार, ये दिख रही है। गाइस, आपको सर्दियों की बेस्ट चीज पता है? आग लगा के हाथ सेकना। तो अभी क्या है, वही प्रोग्राम चल रहा है कि हमारे भाई है वो तैयार कर रहे हैं सिगड़ी, वहाँ पे उसमें हाथ सेकेंगे और साथ साथ तंग बांधेंगे। भाई प्रिपरेशन कर रहे हैं एकदम बिल्कुल बराबर, अच्छे से भाई, अच्छे से। हाँ बंद कर ले वरना कॉपीराइट आ जाएगा। ओ बंद हो म्यूजिक। हमारी जो तैयारी थी तंग बांधने की वो चल रही है, आप देख सकते हैं कि सारी पतंगें हमारे यहाँ पड़ी है, 10-20 की बांध चुके हैं, बाकी अभी चल रही है। कम से कम मान लो हमको 1 से 1.5 घंटा लगेगा अभी इसको बांधने में। यहाँ पे आग जल रही है, माहौल एकदम ठंडा, साथ साथ गर्म, साथ साथ हमारी पतंगे फुल सेट कल के लिए। ये बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी तो हम वापस रूम में आ गए। थोड़ा धीरे बोलूँगा क्योंकि आवाज़ बहुत गूंज रही है। तो फाइनली क्या था कि हमारे आधी पतंगों की तंग बंद गए और आधी के अभी और बांधने हैं, तो हम सोचे रूम में जाके बांधते हैं क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड हो गई, ऊपर से ओस आ रही थी तो पतंगें हल्की हल्की गीली हो रही थी, तो उससे बचने के लिए हम रूम में आ गए। बाकी बची हुई पे तंग बांधते हैं ताकि कल थोड़ा काम हल्का रहता है, वरना बांध तो हम कल भी सकते हैं हाथों हाथ, लेकिन वो टाइम वेस्ट नहीं करना है। कल जितना ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं ना उतना ज़्यादा एंजॉय करना है, तो उसके लिए भाई देखो नीचे बैठ के मेहनत कर रहा है अच्छे से। यहाँ बांधेंगे अब आराम से रजाइयों में बैठ के हमारी। गुड मॉर्निंग गाइज, सो इट्स आर मकर, सर मकर संक्रांति डे। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, हम उठ के आ गए हैं, पूरे जगह म्यूजिक बज रहा है बढ़िया से एकदम, लेकिन अभी पतंगें थोड़ी कम उड़ रही है क्योंकि हवा थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी लोग कोशिश कर रहे हैं ठुमके मार मार के। सो यार आई एम वेरी 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 मच एक्साइटेड। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले नहाते हैं, तैयार होते हैं, जैसे छत पे आते हैं क्योंकि फिर दिन में जाने का मन ही नहीं करता, फिर पूरे दिन नहाना रह जाएगा। जाते हैं नहाते हैं एंड मिलते हैं आपसे तैयार होने के बाद। तैयार होके आ चुके हैं ना, आपने कुछ नोटिस करा? भाई भाई सेम सेम। तो हमने सोचा था कि सकरात आएगी तो सब सेम टी शर्ट सेम जीन्स एंड सेम जैकेट पहनेंगे ताकि हम सारे एक जैसे लगे एंड पहचान में ना है किसने काट दिए। तीनों कोई भी काटेगा, तीनों चिल्लाएंगे वो काटे। उड़ाते हैं पतंग, अब पतंगों के शॉट एंजॉय करोगे। अब ये जो बातचीत है थोड़ी कम होगी, पतंगबाजी होगी एंड फुल मौज होगी। पेट पूजा हो जाए, समझ रहे हो ना, पतंग उड़ाते मेहनत लगती है, भूख जल्दी लग जाती है। तो पिछली बार की अगर आपने मेरी सकरात वाली वीडियो देखी है, जस्ट लास्ट ईयर डाली थी मैंने, उसमें मैंने मिर्ची बड़े खाए थे, तो वो आइडिया अच्छा लगा था, वीडियो अच्छी गई थी, तो सोचा इस बार मिर्ची बड़े खाएंगे। देखो ये रहे हमारे मिर्ची बड़े, ये रही हरी चटनी, सॉस बढ़िया एकदम टॉप पे। अब पहले हम यहाँ खड़े थे, अब यहाँ नहीं, इससे भी टॉप पे क्योंकि हवा उस साइड की है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मजा आना चाहिए पतंग उड़ाने में एकदम। चलो टेस्ट करते हैं, हाउ इज इट? मैं बोलूंगा मिर्ची है, तुम बोलोगे मिर्ची बड़े खा रहे हो, मिर्ची लग रही है, सही बात है, गरम है मिर्ची नहीं गरम है। हमारी पतंग दिखाऊं आपको, बिल्कुल ऊपर है, जहाँ कैमरा है वहाँ
दिख पा रही है ये घूमती हुई पतंग हमारी है, मतलब बिल्कुल एकदम ऊपर। वो देख वो रही हवा चेंज होती जा रही है, आँख भी नहीं खुल रही है, मेरी आँख बंद देख रही होंगी, दिख ही नहीं रहा है कुछ क्योंकि वो बिल्कुल ऊपर जा रही है। ऊपर की हवा होती है हर साल संक्रांति में, एक बार ऊपर की हवा आपको जरूर मिलेगी। ओए 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 देखो लड़ा रहे हमारे स्पेशलिस्ट, नहीं हवा बिल्कुल ऊपर लग रही है सेंटर में, तो इसको बगुला बगुला बोलते हैं, बहुत सारी पतंगे बगुले में गई हुई है ऊपर। भाई सारा उलझा दे मंजा, ये देखो आप सारा यही कर रखा है, सारा का सारा सारा उलझा रहा है और फिर गिठाने पे गिठान बांध रहा है, भाई खराब कर दिया सारा। लेकिन भाई माहौल है, है माहौल तगड़ा हो रहा है एकदम, मजा आ रहा है। बादल हो रहे हैं तो धूप छुप गई है और पतंगे काफी उड़ रही है, लड़ाने में काफी मजा आ रहा है, तो हवा चल जाए ना संक्रांति के दिन तो मजा आ जाता है। हवा चल रही है बढ़िया, तो मजा भी आ रहा है काफी ज्यादा। शेयर मत लगा हवा है, एक मिनट की हुई टाइम लैप्स, काट दी वो गाड़े। मनु एक दौर खेच दे। फंस गई वो गाट, नहीं लटकी भी वो गाटे। भाई प्रो है हमारे, आगे सीखे किससे हैं ये। हे बेस्ट पार्ट ऑफ मकर संक्रांति जयपुर, दिस इज द बेस्ट पार्ट। आप देख सकते हो चारों तरफ लालटेन है, यानी पूरे पटाखे ही पटाखे, होए होए होए, मतलब लोगों को इतनी ज्यादा खुशी होती है ना संक्रांति पे। खराब है, आराम से उतारो, देखो ये तो भगवान भरोसे भाई, ये तो सेफ्टी होता है इसका ऑपरेशन करना। भाई उस साइड की हवा है तो वहां जाएगा, ये बैलेंस कर रहा है। अरे 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 क्या हो रहा है, पकड़ना है उसको वरना आग लग जाएगी। अच्छे से मजबूती से चला जाएगा। ये गाइस सक्सेस, गया फाइनली। गाइज डे इज एंडिंग विद दिस आग। गाइज टेम्परेचर हो गया बहुत ज्यादा ठंडा है, लग रही है बहुत ज्यादा ठंड, एंड हम सुबह से थक भी चुके हैं पतंग उड़ा उड़ा के। एंड आई होप आपको वीडियोज एंड शॉर्ट्स पसंद आए होंगे, अगर पसंद आए हैं तो लाइक कर देना एक बड़ी सा कमेंट, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।